हेलो एंड वेलकम गाइस। तो बहुत ही एक अच्छी खबर आप बोल सकते हैं इंडिया के अंदर जो 5G टेस्टिंग होने वाली थी उसके रिगार्डिंग, क्योंकि अभी क्या है कि स्पेक्ट्रम वगैरह इतनी जल्दी बिके नहीं है, कभी अभी ये भी नहीं पता कि कौन से बैंड्स पर इंडिया के अंदर 5G नॉर्मल मतलब कि चालू हो जाएगा। बाकी स्पेशल बैंड्स पर तो टेस्टिंग वगैरह चलती ही रहती, जब एयरटेल ने की थी, अभी फिलहाल जियो ने प्लान किया था। और ये सबसे बड़ी बात है रेडमी के लिए, क्योंकि शाओमी की जो कंपनी है रेडमी, उसी के एक सब ब्रांड है उसको आप मान सकते हैं। जो इंडिया के अंदर रेडमी के जो फोन्स आते हैं वो काफी ज्यादा बिकते हैं, काफी ज्यादा उनपे अर्निंग होती है और काफी ज्यादा लोग उनको बाय भी करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक नया स्टेप लिया है और जियो के साथ टाई अप किया है अपकमिंग रेडमी मोबाइल रेडमी नोट 11T 5G के बारे में। अभी 11T 5G क्या है, अभी नोट 11 तो इंडिया के अंदर तक आया नहीं है, तो ये 11T 5G कहां से आ रहा है? तो अभी जो चाइना के अंदर रेडमी नोट 11 लॉन्च हुआ था उसी को रीब्रांड करके ये इंडिया के अंदर रेडमी नोट 11T के बारे में लेकर के आ रहे हैं, उसी को नाम चेंज कर दिया है। बाकी लगभग सारे स्पेक्स वही हैं, क्योंकि ये सब कुछ लगता है अभी जो टीज हुए हैं और यहां पर ट्विटर इंडिया पर जो शाओमी के हेड है, मतलब कि इंडियन हेड है, जो MD है इंडिया के और ग्लोबली वाइस प्रेसिडेंट है मनु कुमार जैन, आप सब जानते होंगे, उन्होंने ट्वीट किया है इसके रिगार्डिंग कि यहाँ पर आपको फर्स्ट रेडमी मोबाइल मिलने वाला है जो कि 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट होगा, इसका CPU 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट होगा। और आप सब जानते हैं इस समय जो 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट होने वाला CPU है सबसे ज़्यादा ट्रेंड में MediaTek Dimensity 810 है, जो कि Redmi Note 11 जो चाइनीज वेरिएंट है उसके अंदर ऑलरेडी मिल चुका है। ये CPU काफ़ी ठीक ठाक है, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, Cortex A76 की कोर्स हैं इसके अंदर और गेमिंग भी आप इससे काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये केवल 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है, यानी कि पावर एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर और ये 5G प्रोसेसर है, ये इसका एक और प्लस पॉइंट बन जाता है। और इंडिया में जो नोट 11T 5G आ रहा है उसके अंदर ये र्यूमर्ड है कि 7 5G बैंड होने वाले हैं। जी हाँ, N1 से लेकर के N78 तक जो हमारे 5G बैंड्स हैं उनमें 7 बैंड्स होंगे जो कि इस 5G फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा कैमरा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, बाकी कोई और सेंसर नहीं होगा फालतू का। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छा स्टेप हम कह सकते हैं जो रेडमी उठा रहा है इसको लेकर के कि 5 बिना बजाय 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ देते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता। तो ऐसे में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि मुझे लगती है। 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा होने वाला है जो कि पंचोल कैमरा के अंदर होगा, 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले होगी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा इसके अंदर और MediaTek Dimensity 810 पर ये आएगा, 5000 mAh की बड़ी बैटरी होगी, साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी अवेलेबल होंगे और साथ में 33 वाट का एक चार्जर भी आपको मिलेगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि फोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल हम तो वेट कर रहे हैं 13 नवंबर के आसपास और इवन 13 नवंबर को ही ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बाकी आप बताना आपकी क्या उम्मीदें हैं इस फोन से। फिलहाल इस फोन को हाईलाइट कर रहे हैं जियो के साथ टाई अप करने के लिए कि ये 5G की टेस्टिंग इस पर हो चुकी है, कर चुके हैं और बाद में आपको और भी इस पर टेस्टिंग की जाएगी 5G की जियो के साथ में टाई अप करने के बाद। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी वीडियो हम चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।